न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में चल रही खरीद का जायजा लेने रेवाड़ी के कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने प्रदेश सरकार और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर जुबानी हमला बोला। न्यायपालिका और किसानों को लेकर दिए गए एक बयान के सवाल पर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि जब जाने का वक्त आता है तभी इस तरह के बयान दिए जाते हैं और वैसे भी प्रदेश सरकार को किसानों व मजदूर से कोई सरोकार नहीं रह गया है। चिरंजीव राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का अब बुरा वक्त चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि बीते 3 साल हो गए हैं जब मंत्री कहाँ थे और लोगों के बीच कभी नहीं आए, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो खाना पूर्ति करने में जुटे हुए हैं, अब थोड़े दिनों बाद कहने लगेंगे कि मेरी सरकार में नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय मंत्री ने ठीक काम किया होता तो लोगों को आज परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता। आपको बता दें कि किसानों को फसल इस बार बहुत नुकसान हुआ है, ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है जिसकी वजह से किसानों को भी भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आपको बताया कि खरीद शुरू हो गया मंडी के अंदर, तो आज मेरा यहाँ पर आना हुआ और जहाँ तक हम देख रहे हैं अभी एक नई एक पॉलिसी भी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई अगर ब्रोकन होगा तो उसके अंदर कॉस्ट कटिंग होगी। जैसे कि इसमें बताया गया है कि वैल्यू कट होगी 5 रुपये 30 पैसे अगर 6 से 8% आपका टूटा हुआ होगा। तो आपको पता है कि अब की बार वैसे ही जो बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान किसानों को हुआ है उसके बावजूद इस तरह के नॉर्म्स लेके आना, इस तरह की पॉलिसी लेके आना, साफ तौर पे एक जो नीति है भाजपा सरकार की वो दिखाई देती है। और मेरी काफ़ी आढ़तियों से ही बात हुई, किसानों से ही बात हुई, वो इसका कहा है कि इसका हम विरोध करेंगे क्योंकि अब की बार वैसे ही मौसम की मार इतनी ज़्यादा लोगों के ऊपर पड़ी है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के इस तरह के लिए तुगलकी फरमान जारी करना, जबकि हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला उन्होंने ये बात कही थी कि भाई अब की बार हम रिलैक्सेशन देंगे किसानों को, और उसके बावजूद इस तरह की जो चीज़ें जो बदलाव ये लोग लेके आए हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर और मार करने की ये काम सरकार कर रही है। इसमें एक चीज़ और दी है कि अगर 8 से 10% का अगर ब्रोकन होगा टूटा हुआ होगा तो उस पर 10 रुपये 62 पैसे पर क्विंटल होगा और इसी प्रकार 10 से 12% होगा तो 15 रुपये, तो ये इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। तो हमारी मांग सरकार से ये रहेगी कि भाई अब की बार किसानों को इसके अंदर रियायत देनी चाहिए क्योंकि वैसे ही आपने देखा होगा पिछले दिनों में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब रहा है, चाहे ओले पड़े हों बारिश हुई हो, तो जितनी रियायत सरकार की तरफ से दिया जाए वो बेहतर रहेगी। एक मुख्यमंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है, उस पर उठाते हैं एक मुआवजे की फसल। देखिए ये जो हम तो हमेशा कहा करते थे ये जो सरकार है ये जो बड़े बिजनेसमैन है उद्योगपतियों की सरकार है, इनको किसानों से मजदूरों से कोई सरोकार नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान देना कि भाई किसान 3 फसल उठाता है एक मुआवजे की, मुआवजे का 1 रुपया अब तक आप लोगों ने दिया नहीं है और उसके ऊपर आप इस तरह के मंदघंट आप आरोप किसानों के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है किसान जो आपका मुख्यमंत्री होता है वो हमारे जो प्रदेश है उसका सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे इस तरह के बयान देने निंदनीय है। पिछले दिनों में भी उन्होंने आपने देखा होगा न्यायपालिका के ऊपर भी सवाल उठाए थे और ये मुझे लगता है जब आदमी का बुरा समय आता है, जब उसके बुरा समय आता है जाने का समय आ जाता है तभी उसके ऊपर ऐसी बातें उनके मुख से निकलती हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अपने जो भी जवाब बयान वो देते हैं सोच समझ कर देने चाहिए। एक केंद्रीय राज्य मंत्री ने अभी बैठक की है तो उसमें एक जो धावड़ा से केमिकल का पानी आ रहा है उसमें कोई समाधान हो नहीं रहा है, वो कह रहे हैं मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए जो लापरवाही कर रहे हैं राजस्थान के अधिकारी, इस तरह से विचार कुछ किया जा रहा है। आप कांग्रेस के विधायक भी हैं और आपने भी मुद्दा उठाया बार बार। देखिए 3 साल बीत जाने के बाद आज सरकार के अब हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको याद आ रही है धारवाड़ा गंदे पानी की, जब पहले 3 सालों के अंदर जब लोगों को इतनी दुख तकलीफ रही तब वो लोगों के बीच में नहीं आई और अभी भी उनका इस तरह का बयान देना कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो इतनी बड़ी पदवी के ऊपर इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं क्या उनको किसी और की इजाज़त की ज़रूरत है? तो मुझे लगता है खाना पूर्ति करने का काम वो कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो ये एक लोगों को इसका एक स्थायी समाधान देने की जरूरत है जो अब तक केंद्रीय मंत्री नहीं देख पाए हैं। अब चुनाव का समय आ गया, 1 साल रह गया, अब वो लोगों के बीच में आकर इस तरह के बयान देंगे, इसके बाद अब वो कहने लग जाएंगे कि मेरी सरकार के अंदर चलती नहीं है। पिछले 4 साल वो कहाँ सोए हुए थे,
चाहे धावड़ा में गंदे पानी की समस्या हो, चाहे हमारा बस स्टैंड नहीं बन पाए हो, आपने देखा होगा अभी एक बहुत बड़े जो चला रहे हैं नगर परिषद को, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी कि चार बार केंद्रीय मंत्री हैं वो चंडीगढ़ में फ़ोन कर चुके हैं, पर अब तक कूड़ा उठाने का जो सिस्टम है उसकी फाइल वहाँ से पास नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री अगर सही तरीके से कार्य उन्होंने किया होता तो रेवाड़ी को इतनी ज़्यादा समस्या ना होती। किसी भी नेता को अपनी बात रखने का पूरा हक है और मुझे लगता है केंद्र नेतृत्व को सचिन पायलट जी की बात को भी सुनना चाहिए और उनकी बात पर गौर करना चाहिए। एक वंदे भारत जो ट्रेन कल से रवाना होगी उसका रेवाड़ी में ठहराव था पहले, लेकिन अभी वो जो है ठहराव गुड़गांव कर दिया गया है, रेवाड़ी नहीं रुकेगी वो। देखिए मेरे पास तो अभी रेलवे डिपार्टमेंट से फोन आया था कि भी 2 बजे आपको आना है, वंदे भारत यहाँ रुकेगी और हमें उसको झंडी दिखानी है। अब हो सकता है कि मेरे वहाँ जाने की वजह से आज केंद्रीय मंत्री यहाँ आए हुए थे, अगर वो तब्दील उसके अंदर कर दें तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई सरप्राइजिंग बात होगी या कोई ऐसी चीज़। वो कल कल के लिए ठहरा है सिर्फ। अगर जिस तरह से ये मुलाकात की थी उन्होंने और दावा किया था कि यहाँ ठहराव होगा लेकिन ठहराव है नहीं, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री की नाकामी है स्थानीय स्तर पर। जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र है, अगर जैसा कि आपने संज्ञान में लाया कि कल ठहराव है उसके बाद ठहराव नहीं है, तो फिर ये खाना पूर्ति करने की भी क्या जरूरत थी। तो जिस तरह से आपने हमें सपने एम्स के दिखाए थे, इसी तरह के सपने आपने हमें वंदे भारत के दिखा दिए। तो मुझे लगता है अगर केंद्रीय मंत्री को की संज्ञानीय बात है कि कल के बाद नहीं रुकेगी, तो कल भी उनको नहीं रुकने देना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए कि भी हर बार की तरह हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। पहले रेवाड़ी का नाम था, बाद में गुड़गांव जोड़ दिया, रेवाड़ी हटा दिया, मतलब उसमें ये था नहीं। जो मेरे पास जो उनका इटनरी जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने ये कहा है करीबन 2:30 बजे कल रेवाड़ी पे रुकेगी, वहाँ पर राव इंद्रजीत जी को और मुझे उसको झंडी दिखाना है। अब आपने मेरे संज्ञान में बात लेके आए कि कल तो ये रुक रही है उसके बाद नहीं रुकेगी, तो ये सरकार ऐसी है कि लोगों को लोभ लुभाने वादे करती है, चाहे एम्स की बात हो, बस स्टैंड की बात हो या और भी मेडिकल कॉलेज की बात हो, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मैंने पिछले दिनों में भी कहा था, सबसे बड़ा वादा जो हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार जब यहाँ आए थे रेवाड़ी में, तब उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का किया था और इतनी भारी संख्या के अंदर एक्स सर्विसमैन का विरोध प्रदर्शन करना रेवाड़ी की सड़कों पर बहुत शर्मनाक भी है और हम सब लोगों का सर झुकाने लायक भी है कि जब एक प्रधानमंत्री देश का इतनी बड़ी पद पे बैठने के बाद अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रहा, तो इस सरकार को अपने जो काम है वो उन्होंने क्या किए होंगे आप सबके सामने ही है। अगर बात कर ले सरती अत्याचार नहीं है, देखिए ये तो हम लगातार ही कह रहे हैं किसानों के साथ लगातार अत्याचार हो ही रहा है। जब आपका जो प्रदेश का मुखिया हो उसको ही सरोकार नहीं हो अपने किसानों के साथ, तो आप क्या सोच सकते हैं। मेरी अभी बहुत सारे किसानों से बात हुई कि भाई आप लोगों के यहाँ पर जब गिरदावरी करने अधिकारी आते हैं तब आप उनके साथ क्यों नहीं जाते हो, बोले हमें पता है सरकार ने कुछ हमें देना नहीं है, तो अपना समय बर्बाद करने का भी कोई फायदा नहीं। आज के समय के अंदर लोग कांग्रेस पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी और जो लोगों को सहूलियतें पहले हमारी सरकार के दौरान मिलती थी वो दोबारा से मिले, आज लोगों की सोच यही है।